हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा सेशन है एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है NDA 2019 के लिए। आप लोग कई समय से बोल रहे हैं, आप में से कई सारे बच्चों ने NDA 1 2019 दिया था और कुछ बच्चों के स्कोर्स अप टू द मार्क नहीं थे, उन सब वो भी सब चाहते थे कि NDA 2 के लिए सेशन लूँ। और ये सेशन में मैं आपको पूरा अगले नवंबर तक की शेड्यूलिंग किस ढंग से करनी है, कैसे हमें रिटर्न टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है और किस ढंग से SSB की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो इस साल 12th में गए उनके लिए NDA फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चों के साथ कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं, कई चीज़ें क्लियर नहीं होती, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। NDA 1 जिन्होंने दिया है और जिनका स्कोर कम है उनको भी मैं बोलना चाहूँगा कि अभी ये सोचने की जगह कि NDA 1 बिगड़ गया, ये सोचिए कि NDA 2 में हम कैसे बेस्ट परफॉर्म करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। NDA एक बहुत अलग तरह का पेपर है। NDA के पेपर में इवन आप कट ऑफ से ऊपर हैं तो भी अगर आप NDA एलिजिबल हैं तो आपको अगला एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक बेसिक बात समझें सबसे पहले कि अगर हम एक बेसिक बात समझें तो लगभग 2.5 से 3 लैक्स के बीच में लोग अपेयर होते हैं, और अगर हम देखें तो लगभग 350 के आसपास 360 के आसपास बच्चे फाइनली सिलेक्ट होते हैं। इसका मतलब हर 1000 में से अप्रोक्सीमेट 800-900 बोलते हैं हम, हर 1000 में मान लेते हैं अभी कि एक बच्चा ही सिलेक्ट होता है, यानी सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है। इस एक में आप आ जाएं उसके लिए आपको अपने आप को बहुत ही स्ट्रांगली मेंटली फिजिकली इमोशनली प्रिपेयर करना होगा। अगर आपका डिफेंस एक्चुअल में आपका ऑप्शन है, अगर आप सोचते हैं कि मुझे डिफेंस में जाना है तो फिर उसके लिए क्या क्या करना होगा, वो सारी बातें मैं इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैंने अभी एक जो सेशन लिया था SSB के लिए स्पेशली, वो उन सभी के लिए बहुत यूजफुल था जिन्होंने NDA 1 में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। और आप लोग भी अगर उस सेशन को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा इस बार हम लोग क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं इंपिटस गुरुकुल में, वो भी मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि हम लोग जो न्यू बैच है वो 20th मई से स्टार्ट कर रहे हैं, और इस 20th मई के साथ हम आपको वो शेड्यूलिंग बताएंगे जिस ऑर्डर में चलेगा। अब आपके पास दो तरह के ऑप्शन है। सबसे पहले एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि जब भी मैं कोई सेशन लेता हूँ तो मैं दो तरह से प्लान करके लेता हूँ। एक वो स्टूडेंट जो ऑनलाइन कोर्स से जुड़ा है या क्लासरूम कोर्स से जुड़ना चाहता है उनके लिए भी, और जो नहीं भी जुड़े कहीं भी पढ़ें पर उनके लिए भी ये यूजफुल हो। मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कहीं ना कहीं वो आपके काम आएगी। तो ये मत सोचिए कि आपको गुरुकुल ही ज्वाइन करना है, इंपॉर्टेंट ये कि आप जो भी जगह ज्वाइन करें बस इतना दिमाग में रख के करें कि आपको वहां बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस मिले और आपको हर चीज समझ में आए, बस ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए मैं ये बात आज पहले आपको बोल रहा हूं, फिर मैं अब आपको समझाना चालू करता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंटिन्यूसली जुड़ते जा रहे हैं। हम लोगों ने जब पहला बैच लिया था, जो पहला बैच था वो 2018 सेप्टेम्बर के लिए था, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स से स्टार्ट किया हुआ था, बच्चे ऑनलाइन से जुड़े थे पर कुछ बच्चों ने कहा कि सर हम पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, तो एक 12 स्टूडेंट का बैच था और आप खुद देखिए कि 6 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, उसमें एक फाइनल सिलेक्ट हुआ और ऑनलाइन कोर्स में अनबिलीवेबल 120 स्टूडेंट ने रिटर्न निकाला। आप खुद ही सोच लीजिए कितना अच्छा रेशो है। फिर सेकेंड बैच का अभी एग्जाम हुआ 21 अप्रैल को, जिसका रिजल्ट जून तक आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबल, और थर्ड बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट बैच जब स्टार्ट किया था तो उसमें हमने केवल मैथ्स के लिए बच्चों को बुलाया था, क्योंकि पर जब वो आ गए तो हमको लगा कि टाइम कम है, पर फिर भी उस समय क्योंकि टाइम कम था तो फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा हो पाया था या GS। पर सेकेंड बैच में स्टार्टिंग से ही डे वन से हम लोगों ने मैथ्स के साथ साथ सारे सब्जेक्ट को रेगुलर करा और पूरी तरह से हर सब्जेक्ट को पढ़ाया। इस थर्ड बैच में हम लोग एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि रिटर्न टेस्ट के साथ साथ SSB का भी प्रिपरेशन का बेस डेवलप किया जाएगा, यानी वंस इन अ वीक एक SSB की भी सेशंस हुए करेंगे जिसमें कभी ग्रुप डिस्कशंस होंगे, कभी कुछ डिफरेंट टास्क होंगे, कभी इंटरव्यूज होंगे पर्सनल जो डिफरेंट पर्सनालिटी आके लेंगे, कभी कभी डिस्कशंस होंगे रिलेशंस पे, पॉलिटिक्स रिलेशंस, यानी ये सब एक SSB को भी हम लोग इस बार प्लान करते हुए चल रहे हैं कि करेंगे। और इसके अलावा जो NDA 1 जिन्होंने दिया है उनके लिए SSB की सेपरेट ट्रेनिंग भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो 20 मई के बाद फर्स्ट बैच होगा और एक रिटर्न एग्जाम्स के बाद। और जो बच्चे NDA 2 के लिए रिटर्न टेस्ट के लिए एडमिशन ले रहे हैं उनको हम रिटर्न टेस्ट के साथ साथ SSB का एक बेस प्रिपरेशन करवाएंगे। याद रखिएगा कि SSB का बेस प्रिपरेशन, SSB के लिए अलग से कुछ नहीं करना होता, आपको अपने आप से मेंटली और डिसिप्लिन लाइफ के साथ बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अभी सेशन में बताई थी वो सब डेवलप करनी है, वो यहाँ पर हम करेंगे। तो 20 मई से जो बैच स्टार्ट होगा उस बैच के साथ हम एक तो क्लासरूम कोर्स हो गया, एक हो गया ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब क्या, आप लोग कई बार पूछते हैं, कंफ्यूज होते हैं। ऑनलाइन का मतलब ये कंप्लीट एक वीडियो कोर्स है जिसके थ्रू
आप अपने घर पे रह के पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें पूरा सिलेबस को कवर किया, मैथ्स के और जीएस का कुछ पार्ट है जो हम आपको एडिशनल अभी दे रहे हैं, जिसमें आपको हम हर वीक ये भी बताएंगे कि किस ऑर्डर में पढ़ें, और उसी ऑर्डर में आपको वीकली टेस्ट भी मिलेंगे। जैसे जैसे एकेडमी में क्लासेस चलेंगी उस मॉड्यूल को आपको बताया जाएगा, और उसी ऑर्डर में आप भी अगर पढ़ाई करेंगे तो आप भी टाइमली सिलेबस कर पाएंगे। जैसे हम लोग अपने एकेडमी में 3 डेज का फिजिक्स रखते हैं, 3 डेज का जीएस, 5 डेज का मैथ्स, राइट, 3 डेज का इंग्लिश भी होता है, 5 डेज का मैथ्स, 1 डे का बायो और केमिस्ट्री, और इसके अलावा अब 1 डे जो है वो एसएसबी के लिए भी हम लोग रखेंगे, और संडे को टेस्ट होता है। तो जो टेस्ट भोपाल सेंटर में होंगे वही टेस्ट ऑनलाइन में भी होंगे, क्योंकि मैं ऑनलाइन इसलिए बोल रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जो 12th अपेयरिंग है, हो सकता है कि फिजिकल क्लास ज्वाइन ना कर पाएं, इसलिए उसके लिए परेशान भी नहीं होना, आप इजीली घर पर रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि जिस ऑर्डर में पढ़ा रहे हैं एक बार आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा तो आप उस ऑर्डर में पढ़ें। हमने टारगेट लिया है कि 20 मई से स्टार्ट करके 20 अक्टूबर तक हम आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाएं, ये पहला टारगेट है, और 20 अक्टूबर से 15 नवंबर तक हम लोग टेस्टिंग प्रोसेस रखेंगे और एनालिसिस प्रोसेस रखेंगे। इस बार भी लास्ट के मंथ में जो टेस्ट पेपर थे, एनालिसिस क्लासेस थी जैसे आपके साथ की, वैसे ही और पेपर्स के नंबर्स को यहाँ पर हम बढ़ाएंगे। तो हमारे पास 20 मई से लेके 20 अक्टूबर तक का टाइम रहेगा, जिस ड्यूरेशन में हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो अगर आप 12th अपेयरिंग स्टूडेंट हैं तो देखिए आपके लिए वैसे भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि नवंबर में आपके प्री बोर्ड होते हैं, तो आप भी अच्छे से 12th का सिलेबस कवर कर सकते हैं, और उसके बाद आप लोग आप आराम से एनडीए का एग्जाम दें, उसके बाद प्री बोर्ड का एग्जाम दें। अगर आप एक प्रॉपर वेल प्लान तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो एक अच्छा एग्जाम निकालने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। अब बात आती है जीईटी की। देखिए जब हम एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए में 2 पार्ट हो गए, एक पूरा मैथ्स पे बेस्ड है, एक पूरा जीएटी, और जीएटी का मतलब हो गया इंग्लिश, जीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। मार्किंग की बात करें तो 200 का तो इंग्लिश, 200 का अप्रोक्सीमेट जीएस, 100 का फिजिक्स, 50 का केमिस्ट्री, 50 का अप्रोक्सीमेट बायो। अब जीएस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अगर हम एनडीए 1 में देखें तो हिस्ट्री का पोर्शन इस बार ज़्यादा और लेंदी था, वर्ल्ड हिस्ट्री पर भी क्वेश्चन थे, तो ऐसे में आप लोगों को रेगुलर एक तो न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत होना चाहिए, वर्ल्ड में क्या क्या किस समय क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, पॉलिटिकल रिलेशंस कैसे हैं इंडिया पाकिस्तान के, इंडिया चाइना के, इंडिया बांग्लादेश के, एशिया में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, नए पॉलिटिकल रिलेशंस क्या बन रहे हैं, ये सब चीज़ों पर आपकी रेगुलर पैनी बहुत ही अच्छे से नज़र होना चाहिए, जिससे कि आप अपने आप को डेवलप कर पाएँ। एक बात याद रखिए, जब हम एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए एक डिफरेंट टाइप का एग्जाम है, जब हम आईआईटी की बात करते हैं तो एक डिफरेंट अप्रोच रखता है, तो आपको इन सब पे, दूसरी बात अगर आप एनडीए देना चाहते हैं तो स्पेशली मैं बोलूँगा 9th और 10th की सोशल साइंस की बुक जो होती है बहुत ज़्यादा यूजफुल बुक है वो आपके लिए, बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत नहीं, आप समझ लीजिए कि वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी वगैरह में हेल्प करेगी। तो सोशल साइंस की बुक, इवन बायो भी 9th 10th की बुक का ही आता है, केमिस्ट्री भी 9th 10th का आता है, बहुत ही थोड़ा पार्ट 11th का है, फिजिक्स में कुछ पार्ट 11th का, फिजिक्स थोड़ा ज़्यादा है, मैथ्स तो पूरा ही 11th 12th का है, इंग्लिश बहुत ही बेसिक लेवल पे, अगर आप लोग हिंदी मीडियम के तो आपको इंग्लिश की आदत डालनी पड़ेगी। जब बच्चे इंपिटस में आते हैं तो हम हिंदी मीडियम वालों को भी एक बात बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि हिंदी की बुक से पढ़ना बंद कर दें, क्योंकि बाद में एसएसबी भी देना, अगर आपने अपने आप को इंग्लिश के लिए अभी से तैयार नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम आने वाली, यानी एक ओवरऑल जो बोलते हैं मल्टी डायमेंशन पर्सनैलिटी जिसे बोलते हैं, राइट, मल्टी डायमेंशन पर्सनैलिटी मतलब आपको इतने सारे डायमेंशन पे बहुत अच्छे से खरा उतरना, जब जाके आप एसएसबी में सेलेक्ट हो पाते तो आपको अपने आप से तैयार करना। दूसरा, जैसे बच्चों को मैं यहाँ बोलता हूँ कि 6 o'clock पर मॉर्निंग उठें, रेगुलर 5 to 6 kilometers की रनिंग करें, बेसिक एक्सरसाइज करें, कोई एक गेम को ज्वाइन करें, अगर एक स्पोर्ट्स अगर आप लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ये सब अगर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन के साथ घर पे रहते हुए करना चाहिए। और एसएसबी में जो हम लोग बेस ट्रेनिंग में वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के टेस्ट लेंगे वो सब टेस्ट पेपर्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। प्लान ये है कि चाहे आप यहाँ पर आके पढ़ें चाहे घर पे पढ़ें, दोनों केस में आपको जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करें। ऑब्वियसली जब कोई बच्चा क्लास में आता है तो फिजिकली हमारे सामने होता है तो फर्क तो पड़ता है, क्लासरूम कोर्स के बेनिफिट हमेशा ज़्यादा होंगे क्योंकि आप फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं, पर नहीं आ सकते तो उस केस में
आप ऑनलाइन के थ्रू भी अपने आप को जितना, क्योंकि बस ऑनलाइन और क्लासरूम कोर्स में डिफरेंस जो होता है वो हमेशा मैं बोलता हूँ एक ही होता है, वो है डिसिप्लिन का। क्लासरूम में हमारे डिसिप्लिन की वजह से आप पढ़ते हैं, ऑनलाइन में सेल्फ डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आपको हर समय नहीं देख रहे होते, तो आपको अपने आप से डिसिप्लिन रखना है, मोबाइल फ़ोन बंद कर देना है। यहाँ पर जब बच्चे मोबाइल फ़ोन हम लोग ले लेते हैं, वैसे आपको भी आदत डालनी कि मोबाइल फोन का कम से कम यूज़ करें। अगर आपसे बोला जा रहा है कि 3 घंटे मैथ्स पढ़ना, जैसे आपका टाइम डिवीजन भी बहुत अच्छे से होना चाहिए कि कम से कम 2 आवर मैथ्स, 1 आवर GS, 1 आवर इंग्लिश, ये कम से कम 4 आवर की एक्टिविटी, और ये फिर आप रोज एक एक घंटे पढ़ें, हर दिन पढ़ें, जो पढ़ें सैटरडे को एवरी सैटरडे को रिविजन्स करें बहुत ही प्रॉपर। जिन बच्चों का NDA 1 बहुत अच्छा नहीं गया, जो NDA 1 में मिस्टेक्स हुई हैं उनको दूर करके NDA 2 के लिए सोचना चालू कर दें अगर आप एलिजिबल हैं। इन केस कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके कमेंट थे कि सर अब NDA 1, अब हमारी एज निकल गई क्या करें, तो डिफेंस इतना अच्छा एग्जाम है, कोई बात नहीं, NDA की एज निकल गई तो CD, जहां NDA खत्म होता है वहां से CDS स्टार्ट होता है, दोनों ही ऑफिसर्स के लिए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आगे के लिए सोचिए। क्योंकि यही सोच रखने वाले बच्चे फाइनली सिलेक्ट होते हैं कि नहीं जाना है डिफेंस में तो जाना है, ऑफिसर रैंक पे जाना है तो जाना है। जब आप ये एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो इन केस आप एलिजिबल नहीं है तो CDS पे फोकस करें, क्योंकि अब हम लोग CDS का भी बैच एकेडमी में स्टार्ट करने वाले हैं, 27 मई से CDS का भी बैच होगा, बहुत डिमांड है, ऑनलाइन तो बच्चे जुड़े ही हैं, आप क्लासरूम के लिए भी हम लोग पहला बैच स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बच्चे धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, खुशी की बात है, तो मैं आपको यही बोलूंगा। और क्यों जुड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ बहुत अच्छे से होती है, चाहे फिजिक्स की क्लास हो, चाहे केमिस्ट्री की क्लास हो, चाहे बायो की क्लास हो, एक टाइम टेबल बना हुआ बच्चों का, वो सुबह यहाँ आते हैं रात तक यहाँ रहते हैं। तो ऑनलाइन में बस यही है कि आपको अपने आप से कमिट रखना पड़ेगा, पर क्योंकि आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं आने की तो बेटर है कम से कम कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है। पर मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप काफ़ी बेनिफिट ले लेंगे ऑनलाइन के थ्रू जुड़ के भी, और बस कॉन्टेक्ट में रहें, पढ़ते रहें, पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करते रहें। तो ये एक बेसिक मैंने आइडिया दिया कि अगर आप NDA 2 के लिए प्लान कर रहे हैं तो इमीडिएटली एक्शन ले लें। अच्छा, हम लोग जो शेड्यूल है, बैच बच्चे आना चालू हो गए पर फिर भी जो शेड्यूल है हम वो 20 से करेंगे स्टार्ट। तो 20 से जैसे पहला टेस्ट जब होगा तो 26 मई को होगा, तो वो टेस्ट आपको भी मिलेगा अगर आप ऑनलाइन कोर्स से जुड़े। फिर हर संडे टेस्ट होगा, और जो वीक में टेस्ट होंगे वो सारे टेस्ट भी आपको इसी समय मिल जाएंगे। तो आप अपना टारगेट रखिए कि 20 मई से 20 अक्टूबर तक सिलेबस खत्म करना है, लास्ट के करीब करीब 25 डेज में कंप्लीट रिवीजन करना है, पेपर देना है, SSB के लिए अपने आप को मेंटली फिजिकली तैयार करना है। जो बेसिक टेस्ट होते हैं वो हम आपको देंगे, पर फिजिकल एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स से जुड़ेंगे तो आपको इसके फायदे ज़्यादा मिलेंगे। तो अगेन सभी बच्चों को बोलूँगा जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, वो भी हो सकता है कुछ का लास्ट टाइम हो, उनको भी किसी का सेकेंड टाइम हो, सभी लोग सारी बातें पुरानी भूल के आप फोकस करें आगे, क्योंकि कोई भी नई शुरुआत पीछे जाके नहीं होती, आज और अभी से ही होती, तो उसी माइंड से पढ़ाई करना चालू करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।